Hello students, welcome to our YouTube channel. So student, this is a lecture of income tax. तो हम residential status जैसे कि हम पढ़ रहे हैं उसी को हम आज आगे continue करेंगे. अभी तक हमने residential status होता क्या है, उसकी conditions क्या है, जिसके अंदर हमने basic conditions और additional conditions पढ़ी है, और उसके अलावा हमने बहुत ही important topic cover किया है जो हमेशा से exam में आता है, that is residential status of an individual. So, आज हम आगे मूव करेंगे. और भी कुछ कैटेगरीज हैं जिनके हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ने हैं. तो आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ेंगे रेजिडेंस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी HUF शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. तो अब इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाएगा कि ये इंडिया का रेजिडेंट कब होगा. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, एक्ट का मतलब इनकम टैक्स एक्ट 1961, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेट टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया. तो वो रेजिडेंट या अभी नहीं रेजिडेंट इंडिया का कब कहलाएगा, जब उसका सारा का सारा वर्क इंडिया में कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का. और दूसरी चीज, ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया हेडिंग है इसमें, इसके अंदर देखिए क्या है, एचयूएफ इज सेट टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ इट्स कर्ता और मैनेजर. कर्ता और मैनेजर का मतलब कर्ता या मैनेजर भी ऑल्सो इंचार्ज होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के, जिनके पास पूरी पावर्स है इस फैमिली को रन आउट करने की, कंट्रोल करने की, मैनेज करने की. तो कर्ता और मैनेजर फुलफिल्स बोथ द एडिशनल कंडीशन एंड डिस्कस एज डिस्कस प्रीवियसली. हमने एडिशनल कंडीशन पढ़ी है ऑलरेडी, तो वही वाली एडिशनल कंडीशन पर बात हो रही है. एंड द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज होली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में क्या है कि वो पर्सन कब कहलाएगा ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट, एक्चुअल एफ में ऑर्डिनरी प्रेसिडेंट कब कहलाएगा पर्सन, जब वो बोथ दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करेगा. जब वो बोथ एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करेगा और साथ ही साथ उसका सारा का सारा वर्क फुली मैनेज्ड और कंट्रोल्ड इंडिया से हो रहा होगा, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगी. तो कब कहलाएगी, पहली बात कि उसका सारा का सारा वर्क या बिजनेस शुड बी इन इंडिया एंड कंट्रोल्ड इन इंडिया एंड सुपरवाइज बाय द कर्ता. दूसरी चीज, अब ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, एक्चुअली जब वो दोनों एडिशनल कंडीशंस पूरी कर रहा होगा. नेक्स्ट इज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. अब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 बी ऑफ द एक्ट, एचयूएफ फैमिली हैज टू बी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इफ इट्स कर्ता और मैनेजर डज नॉट फुलफिल बोथ द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशन. तो ये दोबारा से एडिशनल कंडीशन मेंशन है जो हम पहले भी लेक्चर में पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट. अब एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या उसका कर्ता कब नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, जब वो बोथ एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा. जब वो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा कंट्री का, और जब वो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा होगा तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा. तो दिस इज एक्चुअली और रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. और ये दोबारा से यहाँ पे एडिशनल कंडीशन मेंशन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं और आपको याद भी हो गई होगी, नहीं भी होगा तो आप दोबारा से इसको रिवाइज अप कर लें. नेक्स्ट इज नॉन रेजिडेंट. अब थर्ड पार्टी नॉन रेजिडेंट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉन रेजिडेंट कब कहलाएगी, एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 HUF family is said to be non-resident in any previous year if the control and management office its affairs is situated wholly outside India. जब वो outside India में manage हो रहा होगा, जब वो India से कुछ भी manage नहीं हो रहा होगा, सारा का सारा work control and manage जो हो रहा होगा वो outside India हो रहा होगा, तो इस condition में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉन रेजिडेंट होगी. तो इसको रिवाइज अप करते हैं,
डिवाइड डिवाइडेड फैमिली मार्जिनल डेसिमल कब होगी? कंडीशन सेम रहेंगी जो हम पढ़ चुके हैं, बेसिक कंडीशंस एडिशनल कंडीशंस। तो हिंदू डिवाइडेड फैमिली मार्जिनल डेसिमल कब होगी? जब वो दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल कर रही होगी तो वो मार्जिनल डेसिमल ऑफ इंडिया होगा। नॉट ऑर्डिनरी डेसिमल कब होंगे? जब वो दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे होंगे तो इस केस में वो नॉन ऑर्डिनरी डेसिमल होंगे। अब तीसरी कंडीशन नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट कब होंगे? जब उनका सारा का सारा बिजनेस फुली या होली या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड ही नहीं, आउटसाइड इंडिया से कंट्रोल्ड एंड मैनेज हो रहा है, जब इंडिया में कुछ हो ही नहीं रहा, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो इस केस में वो नॉन रेजिडेंट रहेंगे। तो ये है सारा का सारा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, हिंदू एंड डिवाइडेड फैमिली। तीन ही कैटेगरी है रेजिडेंशियल स्टेटस को डिफाइन करने की, जो हम फर्स्ट लेक्चर से इस टॉपिक के पढ़ते आ रहे हैं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल हमने क्लियर किया। आज हम एचयूएफ की बात कर रहे हैं। एचयूएफ को भी थ्री कैटेगरीज में हमें डिफाइन करना है कि एचयूएफ ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा और नॉन रेजिडेंट कब होगा। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा? जब वो दोनों एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। यहाँ पे बेसिक कंडीशन की कोई बात नहीं होगी एचयूएफ में। दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अगर वो बेसिक एडिशनल कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। और नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब उसका सारा बिजनेस सेटअप आउट ऑफ इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एचयूएफ। हमने इंडिविजुअल रेजिडेंट स्टेटस पढ़ा और आज हमने अभी तक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेजिडेंशियल स्टेटस। अब हम आगे मूव ऑन करेंगे, दैट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ नेक्स्ट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अफॉर्म रेजिडेंस रेजिडेंट एंड
नॉन रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो जब होंगे जब उनका सारा बिजनेस या वो आपके इंडिया में सिचुएटेड होगा, और नॉन रेजिडेंट का होंगे जब सारा वो आपके अफेयर्स या बिजनेस उनके आउट ऑफ इंडिया सिचुएटेड हो। नेक्स्ट इज रेजिडेंस ऑफ अ कंपनी। अब रेजिडेंस ऑफ अ कंपनी में क्या है, अ कंपनी में इधर भी रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट, इट्स नेवर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सेम जैसे फॉर्म एओपी और बीओआई में सिर्फ दो ही कैटेगरीज में रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। सेम कंपनी का होगा, जो कंपनी है इसके बाद हम कंपनी का पढ़ रहे हैं, कंपनी में भी दो ही कैटेगरीज आएगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट। कंपनी में भी दो ही कैटेगरीज आएंगी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अब सेम है, कंपनी ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट कब कहलाएगी, अ कंपनी सैचुरी रेजिडेंट इन इंडिया यानी प्रीवियस ईयर इफ, अगर वो ये दो कंडीशंस पूरी कर रही है, इट इज एन इंडियन कंपनी, इट प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन प्रीवियस ईयर इज इन इंडिया। पहली बात तो वो कंपनी इंडिया की होनी चाहिए और जो भी उसका वर्क हो रहा है वो इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगी। और नॉन रेजिडेंट कब होगी, नॉन रेजिडेंट होगी कंपनी विच इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, सैक्टरी नॉन रेजिडेंट अगर इंडिया की रेजिडेंट है। पहली बात तो अगर वो इंडियन कंपनी नहीं है, और दूसरा उसका प्रीवियस ईयर में इंडिया में कोई वर्क नहीं है तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट। तो कंपनी की दो ही कैटेगरीज में डिफाइंड है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या रेजिडेंट, दूसरा नॉन रेजिडेंट। अगर इंडिया में सिचुएटेड है, कंपनी भी इंडियन है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, अगर कंपनी इंडियन नहीं है या इंडिया में वर्क सिचुएटेड नहीं है कंपनी का तो वो नॉन रेजिडेंट है। सो दिस इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। नेक्स्ट इज रेजिडेंस ऑफ एवरी अदर पर्सन। एवरी अदर पर्सन मीन आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन इज ईदर रेजिडेंट इन इंडिया और नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। तो अभी तक हमने लास्ट की तीन कंडीशंस पढ़ी हैं, फॉर्म एओपी बीओआई, दूसरा कंपनी, और थर्ड वन इज एवरी अदर पर्सन। तो इन तीनों में ही दो ही कैटेगरीज में रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइंड है, एंड दैट इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। इन तीनों में ही नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे रेजिडेंट कब होगा, अगर वही सेम चीज है, एवरी अदर पर्सन इज स्टैट्यूटरी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज होली पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया। अगर उसका प्रॉपरली बिजनेस इंडिया में सिचुएटेड है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और अगर इंडिया में प्रॉपरली सिचुएटेड नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो नॉन रेजिडेंट। तो ये है सारी हमारी कैटेगरी जिसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर रेजिडेंशियल स्टेटस, जिसके अंदर हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज का रेजिडेंशियल स्टेटस डिफाइन किया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। आ तो किसी का भी सकता है एग्जाम में, पर ज्यादातर जो आता है इट इज रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। उसके बाद हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, फिर हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फॉर्म एओपी और बीओआई, फिर हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, और लास्ट में हमने पढ़ा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एवरी अदर पर्सन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पढ़ेंगे। तो आई थिंक ये आपको सब क्लियर हो गया होगा। इफ स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सारे के सारे नोट्स आपका, ये सब नोट्स के लिंक आपको आपके रिकॉर्डिंग के साथ मिलेंगे, और किसी